हेलो एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी वेलकम टू कंप्लीट कोर्स ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स में आप सभी का स्वागत है इन चैप्टर 11 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट साउथ इंडियन किंगडम दैट इज पल्लवास इस 11वें चैप्टर में हम पल्लवास जो कि एक साउथ इंडियन किंगडम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड Now first of all we all we have already studied about the Sangam हम लोगों ने चेरास चोलाज एंड पांड्यास के बारे में पढ़ा था और मैंने ये बताया था कि काल भरस के रूल के समय में ये तीनों डायनेस्टीज डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी और फिर काल भरस ने वहां पर राज किया था दीन्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दाल रूल फॉर ऑलमोस्ट अबाउट करीब लगभग ढाई सौ सालों तक कालभरस का साम्राज्य वहां पर स्थापित था नाउ आफ्टर दैट वॉट देयर किंगडम इन टोंडाई मंडलम विच इज इन तमिलनाडु रीजन

उसके बाद काल भरस रूल आ गया था और उसके बाद ये पल्लवाज ने आकर यहां पर रूल करना शुरू कर दिया सो दे ओरिजिन ऑफ दीज पल्लवाज ये पल्लवाज का ओरिजिन क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं All right. Now, you guys must know, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो पल्लवास थे ये एक्चुअली में दीज वेर फ्यूडिट्रीज टू सतवाहानासनास थे वो आंध्रा रीजन में रूल करते थे अब आंध्र रीजन में रूल करने के बाद नाउ ड्यूरिंग देयर देयर टाइम दे एक्सपैंडेड किंगडम दीज पल्लवाज वेयर फ्यूडिटरीज टू देम ये जो ये जो आंध्र से लेकर नीचे तमिलनाडु रीजन तक रूल करते करते पहुंच गए थे उनके ही एक फ्यूडिटरीज उनके ही एक सबोर्डिनेट थे पल्लवास मगर बाद में क्या होता है जब सतवाहानाज डिक्लाइन होने लगते हैं नाउ लेटर ऑन वेन दतवाहानाज दे रूल डिक्लाइंड देन ऑब्वियसली एज वी हैव सीन इन दी अदर किंगडम ऑल्सोस जैसे हमने बाकी किंगडम्स में भी देखा है जब किसी सम, किसी किंगडम का साम्राज्य गिरने लग जाता है वेन एनी किंगडम स्टार्ट फॉलोइंग सो दी

ये सच्चाई है पल्लवास की जो वो सत्वाहानास के एक फ्यूडिटरी थे लेटर ऑन दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम अबाउट थर्ड सेंचुरी एडी फ्रॉम कांचीपुरम रीजन इन तमिलनाडु देर आर सम अदर थ्योरीज आल्सो मैंशनड अबाउट पल्लवास पल्लवास के बारे में और भी बहुत सारे व्यूज हैं Like, for example, they were to, told to be a branch of Vaktakas in the Deccan. At the same time, they were being told as a descendant of the Chola prince and Naga princess who ruled from.

एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन या जितने भी चार्टर पास होते थे प्राकृत लैंग्वेज उनमें अर्ली पल्लवा किंगडम्स इसके बाद 350 फिफ्टी एडी से 550 फिफ्टी एडी में नाउ इन बिटवीन 350 फिफ्टी एडी टू फाइव फिफ्टी एडी दे स्टार्टेड इशुंगस इन संस्कृत दैट मीनस

एक्सपीडिशन में आए थे उन्होंने विष्णु गोपा को हरा दिया था नाउ, दिस वाज अबाउट फर्स्ट लाइन ऑफ रूलर्स, दिस वॉज अबाउट दाइन ऑफ लाइन ऑफ सेवेंटी फाइव एडी से थर्ड लाइन ऑफ रूलर शुरू हो जाते हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ रूलर थे उन्होंने प्रकृत में अपने चार्टर्स इशू किए थे Second line of rulers in Sanskrit, and the th third line of rulers they issued their charters in Sanskrit and Tamil. And Simha Vishnu was the first ruler of this line. And if you guys remember, I told you that the Sangam age was overthrown by the Kalbharas who ruled there. And after that, the Pallavas were the feudatories to the Satvahanas. Now, if I talk about सिम्हा थर्ड लाइन के फर्स्ट रूलर थे पूरे तरीके से समाप्त करके कंप्लीट रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑफ दल्लवास इन टोंडाई मंडलम होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड यू गाइज मस्ट ऑल्सो नो कि हम जब इस पल्लवास की बात कर रहे हैं या कालभरस की बात कर रहे हैं जिन्होंने चेलाज और पांडयास को हराकर अपना रूल स्टैब्लिश किया था दैट रूल वाज नॉट फॉर्मलीस्टैब्लिश्ड वो पूरे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं था तब भी कुछ चोलास, चेलास और पांडयास के कुछ कुछ छोटे छोटे फ्यूडिट्रीज रूल कर रहे होंगे फ्यू फ्यूडिट्रीज ऑफ चोला चेलर एंड पांड्याज माइट अबाउट

चालूकिया और पल्लवा के बीच में काफी लंबा कॉन्फ्लिक्ट था और महेंद्र वर्मन ही फॉर्ट अगेंस्ट पुला केसिंटू आपको पुला केसिंटू के बारे में हमने पहले भी कई जगह डिस्कस किया हुआ है नाउ इट इज मेंशन्ड दैट द महेंद्र वर्मन वन ही फॉर्ट अगेंस्ट द चालूकिया रूलर्स बट व्हाट हैपन्ड वाज � That the चालुक्या, they defeated Later on, थे, उन्होंने चालुक्या के पुल टू को हरा दिया था मगर जो भी टेरिटरी उन्होंने पहली लड़ाई में हारने के बाद जो गवा दी थी वॉट एवर टेरिटरी महेंद्र वर्मन लॉस्ट थी वॉज नॉट एबल टू रिकवर दॉस्ट टेरेटरी Example, let's say Mahindra Varman fought against Pulakesin II. So initially Pulakesin II defeated Mahindra Varman. Later on, Mahindra Varman defeated Pulakesin II, but he was not able to regain the lost territory to Pulakeshin II. Hope this point should be clear to all of you. And initially, he was a follower of Jainism. Mahindra Varman was a follower of Jainism. Later on, under a Saint Apar, he converts to Savism. Matabh, he becomes a devotee of Lord Shiva. And he assumed a lot of titles. This you guys can read. This is not very important. Now understand here, this chapter is about South Indian kingdoms. But not everything is important from the UPSC's point of view. So, whatever point I would be emphasizing more. Who point Jinpar may emphasize Zada karunga? That is important for UPSC's point of view.

महेंद्र वर्मन वन के बाद उनके बेटे आते हैं नरसिम्मन वर्मन वन और ही इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट वेस्टलर ही वॉज ऑल्सो नोन एज ममल्ला जिसका मतलब होता है ग्रेट पहलवान ऑल राइट नाउ इफ यू गाइज रिमेंबर अभी मैंने पहले बताया था कि जो महेंद्र वर्मन वन थे उन्होंने स Another important thing was he 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 many navy expeditions to Sri Sri Lanka. All right, even though he defeated the the Lankan prince, but he restored the throne. उनका सिंहासन वापस कर दिया था एंड इफ यू गाइज रिमेम्बर वी स्टडीड अबाउटो चाइनीज्रिम टू इंडिया वो इन्ही नरसिमर्मन वन के ही समय में पल्लवा की जो कैपिटल कांचीपुरम थी वहां पर आए थे सो दिस मेक सेंस सो ह्यूंग सांग वाज अ कंटेंपरेरी टू नरसिंह वर्मन वन, हु वाज अ पल्लवा किंग ऑलराइट नाउ नरसिंह वर्मन वन इज आल्सो डिस्क्राइब्ड टू मेक दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कांची वर्मन मतलब कांची वर्मन को ब्यूटीफुली बनाने में नरसिंह वर्मन का बहुत अहम रोल है नाउ इट इज बींग टोल्ड दैट ही मेड

हाउ दिस रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर हैव ड्यूरिंग दी ये हम आगे देखेंगे. नाउ वॉट हैपन वॉस नरसिम वर्मन वन के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय आते हैं याद कीजिए हमने महेंद्र वर्मन वन पढ़ा था उसके बाद नरसिम वर्मन वन पढ़ा था आफ्टर दैट केम महेंद्र वर्मन टू एंड देन केम परमेश्वर वन एंड देन केम नरसिंह वर्मन जिसके बारे में हम इस स्लाइड में देखेंगे नाउ ही वाज आल्सो नॉन एज ऑलराइट। एंड ही वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दलवा किंगडम ये पलवा किंगडम के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे साउथ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप करने में नरसिम्हा या फिर नरसिम वर्मन टू का

Now, one more important thing before I proceed further. Abhi chronology Hamisha Yadrakna that first we were talking about Mahindra Varman 1, then we were talking about Narsim Varman 1, then came Mahindra Varman 2, and then Parmeshwaram 1, and then came this important king Mahindra Varman 2, who was also known as Narsimma. And last ruler, alright, the last important ruler.

constructed a lot of irrigation tanks which was very important for the irrigation facilities of the land which in turn which will be very important for agriculture all right and through these pallavas inscriptions we come to know a lot about their detailed टम ऑल्सो ब्रह्मदेव ऑलरेडी गवर्नमेंट जो जमीन से टैक्स मिलता था दैट वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड देर वेर लॉट ऑफ ऑक्यूपेशन डन बाई दीपल और बहुत सारे टैक्सेस भी लगाए जाते थे कार्पेंटर्स के जो काम होते थे उस पर भी टैक्स था गोल्ड स्मिथ पर भी वॉशरमेन जो ऑयल प्रेसिंग करते थे जो कि एग्रीकल्चर से वहां से निकाल के ऑयल प्रेसिंग करके ऑयल बनाएंगे जो भी वीवर्स थे उन सब पर भी टैक्स लगाया जाता था लेवल right. पर देर वॉज लैंड रिकॉर्ड दैट वॉज बाय में लोकल ऑफिशियल एंड इट वॉज ऑल्सो एंश्योर्ड कि जो भी जमीन टेम्पल के लिए दी जाती थी वॉट एवर लैंड वॉज गिवन एज देवधना फॉर द

all right and there were lot of hymns that were constructed in the tamil language hope this makes sense

प्लेस फॉर लर्निंग एंड एक्सेलिंग सेंटर इस जगह पर अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते थे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस यूज टू कम ओवर हियर एंड ओवर हियर दे यूज टू कम फॉर हायर एक्सीलेंस एंड हायर लर्निंग

दी ड्राविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल जिसके बारे में हमने पहले की स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि हाउ आर ड्राविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेंपल ड्राविडियन स्टाइल में हम मैंने आपको बताया था कि ये पिरामिड शेप में होते हैं नाउ इफ आई हैव टू गिव क्रेडिट

क्रल टेम्पल्स बाई वन देर आर फोर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टें डूरिंग दिस पल्लवास एंड विच शो केस अबाउट दिस ड्राविडीन स्टाइल ऑफ टेंपल इस ड्राविदीन स्टाइल ऑफ टेम्पल की चार स्टेज हैं

ये जो हुआ था काम यह वर्मन वन के टाइम पर हुआ था नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पे महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर रॉक कट टेम्पल शुरू हुए थे और नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पर आपको ऐसे मोनोलिथिक रथ देखने के लिए मिलते हैं आफ्टर दैट राज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पल्लवा रूलर है राज सेवरेडी टोल्ड यू स्टोन्स को हम लोग केव्स को तोड़, तोड़ कर बना रहे थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलाश नाथ टेंट कांची वट यू सी यूवर हियर एट कांचीपुरम शोर टेंपल एट ममलापुरम व्हाट यू सी ओवर हियर दीज आर फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ़ दी स्ट्रक्चरल टेंपल्स अब आप देखिए दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ़ द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल जिनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था सच ब्यूटीफुल लुक एट दी आर्किटेक्चर ओवर हियर ब्रिलियंट आर्किटेक्चर दिस इज दर्ड स्टेज ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर दिस दिस डेवलपमेंट वॉट वी आर सी ओवर हियर ऑल

वो ओवरटेक कर लेते हैं और पल्लवाज कैप्चर कर लेते हैं ऑल राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम दी टेम्पल्स वॉट वी सी अपार्ट फ्रॉम दिस टेम्पल आर्किटेक्चर वॉट वी सी यू गाइज कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट द ब्यूटी

ना इफ आई टॉक अबाउट दीज फाइन आर्ट्स ये हमने जितने भी हम लोगों ने ये ये यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने ये टेम्पल्स देखे हैं या ये जो हमने आर्किटेक्चर्स देखे हैं ये कुडुम मनाई मलाई इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और नोट्स को भी मेंशन किया गया यानी कि दे यूज टू टेक अ कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक ऑल्सो ऑल राइट एंड सित्तना वसल पेंटिंग ऑल्सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट It has been asked at times in exam belongs to the Pallava region. So music, dance, and painting also was developed a lot during the Pallava's region. All right, hope this makes sense. And obviously, it is important because if you remember Gupta period, which is being told as the golden age in South India, these Pallavas also have played a very very important role for the development of art and architecture, music, dance, and paintings. All right. And anyways, these Alvars who were the devotee of Lord Vishnu naamers of Lord Shiva. They also have composed various hymns in various musical notes. Alright. So one question is here for your practice. You guys can write your answer in the comment section in the YouTube. That the Pallavas era it has, era, it has witnessed a transition from rock cut temple stage 1 to freestanding Dravidian style temple stage 4. So how this transition would have emperored, you guys have to comment in around 250 words. Chale

And I have overcome depression, so my immunity has gone down. But still, I am trying my level best to bring out the videos. And some people were complaining, "Our history, geography, sat me No, we have already covered ancient, ancient Indian history. Kuch videos were that we are trying to cover up right now. Three, four small, small chapters are left. And physical geography is going on. Hopefully, today or max by tomorrow, I will upload that video also. Thank you, everybody, for watching. God bless you.